1984 इंदिरा गांधी दे कतल पिछों सिखां खिलाफ होए योजनाबद्ध कतलेआम दौरान उत्तर प्रदेश दा कानपुर भी बेदोशियां दे खून नाल रंगिया। कानपुर विच होए सिख कतलेआम दे 3 दहाकियां तों वध समें बाद विशेष जांच टीम ने मंगलवार नूं मनुखी अवशेषां समेत सबूत इकट्ठे करन लई शहर दे इक घर नूं हुण सील कर दिता है। 45 साल दे सिख कारोबारी तेज प्रताप सिंह अते उसदे 22 साल दे पुत्र सतपाल सिंह नूं 1 नवंबर 1984 नूं गोविंद नगर इलाके विच कतल कर दिता गया सी अते उन्हां दीयां लाशां साड़ दित्तियां गईयां सन। बचे परिवार दे मैंबर पहलां एक शरणार्थी कैंप विच चले गए अते फिर पंजाब अते दिल्ली आ गए। घर वेच दिता पर नवें मालक कदे भी उन्हां दो कमरियां विच दाखल नहीं होए जिथे हत्यावां होईयां सन अते SIT ने उन्हां नूं लगभग अणछूहिया ही पाया है। समीक्षा अधीन 11 मामलों विच सबूत इकट्ठे कीते गए। SIT दा कहना है कि योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा स्थापित की गई SIT जांच उत्तर प्रदेश विच 1984 विच सिखां विरुद्ध हुई हिंसा दी पहली जांच है। कानपुर विच दिल्ली तो बाद सब तो भयानक दंगे हुए सन जिन्हां विच 127 सिख मारे गए सन। तेज प्रताप सिंह दी पत्नी अते एक होर पुत्र अते नूं दे नाल कानपुर छड्डन दौरान एक सब इंस्पैक्टर द्वारा अणपछाते व्यक्तियों दे विरुद्ध IPC दी धारा 396 धारा 436 अते 201 दे तहत एक FIR दर्ज की गई सी। SIT मंगलवार नूं फोरेंसिक माहिरां दे नाल तेज प्रताप दे पुराने घर विच दाखिल हुई। घटना दे चश्मदीद दी हाजरी विच जो उस खेतर विच रहंदे हन पुलिस सुपरिंटेंडेंट अते SIT मैंबर बलेंदू भूषण ने दस्या कि फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी दे अधिकारियां ने निर्धारित कीता सी कि इकट्ठे कीते गए नमूने मनुखी अवशेष सन। कथित तौर ते नवें वसनीकां नूं पहली मंजिल ते रख्या गया सी। जमीनी मंजिल ते कमरियां नूं कतलेआम नाल जोड़ के रख्या गया सी। इत्थों तक कि ओह इस दी साफ सफाई लई वी कदे दाखिल नहीं होए। योगी आदित्यनाथ सरकार ने SIT नूं कतलेआम तों बाद दर्ज कीते गए 1251 मामलों की मुड़ जांच करन दा काम सौंपिया सी। इसने अगे जांच दे लई 40 नूं शॉर्टलिस्ट कीता। इन्हां 40 विचों कानपुर पुलिस ने 11 विच चार्जशीट अते बाकी विच क्लोजर रिपोर्ट दायर कीती सी। चार्जशीट कीते गए 11 मामलों विचों SIT ने राज सरकार तों 5 मामलों विच हेठलियां अदालतां दे फैसले दे विरुद्ध अपील दायर करन दी आग्या मंगी है। इह मामला सरकार कोल विचाराधीन है। 29 मामलों विचों जिथे पुलिस वल्लों क्लोजर रिपोर्टां दायर कीतियां गईयां सन SIT 19 दी मुड़ जांच कर रही है। इह बाकी दी जांच नहीं कर सकदी क्योंकि उन्हां नूं कोई सबूत नहीं मिलिया। सूत्रां ने दस्या कि 9 मामलों विच शिकायतकर्तावां अते गवाहां ने अगे आउण तों इनकार कर दिता। सीनियर वकील HS फूलका ने 3 दहाकियां तक जांच दीयां फाइलां दब्बी रखण दे इस मामले नूं लै के सवाल चुके हन। अज दे इंडियन एक्सप्रेस दे विच इंडियन एक्सप्रेस सब फ्रंट पेज से दिल्ली का है नैशनल जो पेपर आ इहदे च फ्रंट पेज से आई आ 36 years आफ्टर सिख रैट्स टीम पिक्स अप द एविडेंस फ्रॉम द लॉक्ड कानपुर हाउस। SIT ने 36 साल तो एक घर जो बंद पिया जिहदे च दो सिखां नूं नवंबर 1984 नूं दो सिखां नूं मार के जलाता सी वो घर उदों दा बंद रखिया वा। हुण जो SIT पॉइंट हुई है कानपुर दा वाकया है SIT ने जाके वो घर नूं खोलिया ते उत्थों एविडेंस कलैक्ट किया वो सिखां नूं मारन दा ते नाले उन्हां नूं जलाउण दा। वो हुण जाके SIT ने एविडेंस कलैक्ट किया। ये नवें जिहड़े केस SIT ने खोले आ उन्हां विचों एक केस आ। इस दे विच 1 नवंबर नूं तेज प्रताप सिंह जो 45 साल दे सी ते उनका बेटा सतपाल सिंह जो सिर्फ 22 साल का सी उन्हां नूं मौब ने मारिया। ये कानपुर का वाकया ते ये जिहड़ा कानपुर दे विच जो इंसीडेंट होए ये 1 नवंबर नूं शुरू तो होए ते ये सारे जो उत्थे सिखां दा कतलेआम होया वो उत्थों दा जिहड़ा DM सी बरजिंदर उहदे करके होया। उसने आप कोले खड़ खड़ के मौब तों सिखां नूं कतल करवाया। सो यूपी चोणां नेड़े आईयां तां जांच दी फाइल मुड़ खुल गई। सिख कतलेआम हुण तक सियासी धिरां दा चोण हथियार ही बनिया रहा। आस इक वार फिर बजी है पर सवाल यही है कि किसे तण पतन लगेगी या नहीं।
साडे यूट्यूब चैनल नू सबसक्राइब करो।